आपने काफ़ी सारी कंपनीज के नाम सुने होंगे, लाइक माइक्रोमैक्स, कार्बन, लावा, इंटेक्स, जोलो, स्पाइस। ये सभी हिंदुस्तानी कंपनीज हैं। अब से अगर कुछ टाइम पहले की बात करूं तो हिंदुस्तान में माइक्रोमैक्स नंबर वन पे आती थी, और टॉप फाइव की लिस्ट में तीन हिंदुस्तानी ब्रांड्स थे, लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स। ये रिपोर्ट है 2014 की। अब अगर हम लेटेस्ट रिपोर्ट देखें तो टॉप फाइव की लिस्ट में एक भी हिंदुस्तानी ब्रांड नहीं है। पहले नंबर पे है शाओमी, हाँ सैमसंग अब भी दूसरे नंबर पे अपना कब्जा जमा के बैठी हुई है। इस वीडियो में हम दो चीजें डिस्कस करेंगे, पहला हिंदुस्तानी ब्रांड्स कौन कौन सी हैं और कब शुरू हुई, दूसरा वाई इंडियन ब्रांड्स फेल्ड। माइक्रोमैक्स सन 2000 में शुरू हुई थी, चार लोगों ने मिलकर स्टार्टअप किया था। मोबाइल, टैबलेट, एसी, लैपटॉप, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स, एलईडी टीवी जैसे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है। माइक्रोमैक्स ने सन 2014 में एक और ब्रांड शुरू किया था, वाईयू टेलीवेंचर, जो स्मार्टफोन्स, हेल्थ बैंड, पोर्टेबल पॉकेट प्रिंटर और पावर बैंक बनाती थी। पर कुछ टाइम के बाद में माइक्रोमैक्स ने ये जो वाईयू टेलीवेंचर से बंद कर दी और फिर सन 2019 में दोबारा से शुरू कर दी। लेकिन लेटेस्ट रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग माइक्रोमैक्स ओनली हैड 0.5% मार्केट शेयर। 2015 में लाइफ स्मार्टफोन्स के नाम से मुकेश अंबानी साहब ने एक ब्रांड शुरू की थी। ये कंपनी 3-4 हजार रुपए से लेकर मैक्सिमम 10 हजार रुपए तक के स्मार्टफोन्स बनाती है। अभी इनका एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है अर्थ 2 के नाम से, कीमत है 20 हजार रुपए और फीचर्स हैं 6-7 हजार रुपए वाले, तो यार कोई क्यों खरीदेगा। वैसे ये ब्रांड स्मार्टफोन के अलावा जियो फाई डिवाइसेस भी बनाती है। एक और कंपनी है अंबानी साहब की और मुझे नहीं लगता कि उसे कोई नहीं जानता होगा, जियो नाम है उसका और हर दूसरे स्मार्टफोन में आपको उसकी सिम मिल जाएगी। ये शुरू तो हुई थी सन 2007 में, लेकिन हंगामा इसने किया सन 2014-15 में जब इसने फ्री में सिम और 4G डाटा बांटना शुरू किया। जियो कंपनी के स्मार्टफोन को छोड़कर सभी धंधे परफेक्ट चल रहे हैं। ओनिडा बहुत पुरानी कंपनी है, 1981 में ये शुरू हुई थी और मुझे अब भी याद है जब मैं बहुत छोटा सा था तो मेरे घर पे एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी थी, ओनिडा वाली, जो शटर वाली आती थी पहले, वो। ओनिडा मिड रेंज से नीचे के स्मार्टफोन बनाती है, मतलब खासकर हम कहें तो फीचर्ड फोन होते हैं इसके, लेकिन काफी हट्टा कट्टा होते हैं। स्मार्टफोन्स को छोड़कर ओनिडा कंपनी की एसी, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव ओवन्स जैसे प्रोडक्ट्स पर अच्छी खासी शेयरिंग है। चौथी कंपनी है स्पाइस, जो सन 2000 में शुरू हुई थी और 13 लोगों ने मिलकर इसे स्टार्ट किया था। फीचर्ड फोन और स्मार्टफोन बनाती है ये कंपनी, लेकिन आज के हिसाब से 3-4 साल पीछे चल रही है। आपने वीडियो कॉन का भी नाम सुना होगा, 1979 में ये शुरू हुई थी। मोबाइल, वायरलेस, इंटरनेट और सैटेलाइट टीवी जैसी काफी सारी सर्विसेज ये कंपनी प्रोवाइड कराती है। बेसिकली 3-4 हजार रुपए वाले जो फीचर्ड फोन होते हैं वो लॉन्च करती है। हालांकि इसने 2 4G स्मार्टफोन भी लॉन्च किए थे, लेकिन जो मार्केट शेयरिंग है ना के समान है स्मार्टफोन के मामले में। इंटेक्स कंपनी का नाम आपने जरूर सुना होगा, कुछ टाइम तक मार्केट में काफी दबदबा रहा था इसका। 1996 में ये शुरू हुई थी और हेडफोन्स, होम थिएटर जैसे प्रोडक्ट्स में अच्छी खासी मार्केट है इसकी, लेकिन स्मार्टफोन्स में 0% शेयर वाली बात आ जाती है। सातवें नंबर की कंपनी है कार्बन, जो कि सन 2009 में शुरू हुई थी और ये फीचर्ड फोन, स्मार्टफोन, टैबलेट, एलईडी टीवी जैसे काफी सारे प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन स्मार्टफोन के मामले में 0.1% की शेयरिंग कह सकते हैं। आठवें नंबर की कंपनी है लावा, जो कि सन 2009 में शुरू हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है। मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट, सॉफ्टवेयर बनाती है ये कंपनी और अब तो नेकबैंड और ईयरबड्स भी बनाना इसने शुरू कर दिया है। लेकिन स्मार्टफोन के मामले में इंडियन मार्केट में इसकी 0.4% की शेयरिंग है और उसमें भी जो सबसे ज्यादा फोन इसके बिकते हैं वो है फीचर्ड वाले फोन, जो कि 2-3 हजार रुपए तक के आते हैं 1 हजार रुपए से शुरू होकर। एक और कंपनी है जो सन 2000 में शुरू हुई थी, सेलकॉन के नाम से। शुरुआत में ये सब कुछ चाइना से मंगाती थी, लेकिन अब इसने तेलंगाना में अपना खुद का प्लांट खड़ा कर दिया है और लगभग 500 से भी ज्यादा लोगों को रोजगार दिया है, अच्छी बात है। और ये कंपनी मोबाइल, टैबलेट और पीसी बनाती है। आईवॉल कंपनी सन 2001 में शुरू हुई थी और इसका नाम आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये कीबोर्ड, माउस, हेडफोन जैसी काफी सारे तामझाम बनाती है, पर स्मार्टफोन के मामले में 3-4 साल पीछे चल रही है आज के हिसाब से। लेकिन भाई साहब इसने सन 2014 में कमाल कर दिया था, मतलब एक स्मार्टफोन लॉन्च किया था उड़ान के नाम से, एंडी उड़ान के नाम से, जो कि खासकर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया था। मतलब उस स्मार्टफोन के पीछे एक SOS बटन था और जैसे ही आप इमरजेंसी में अगर उसे क्लिक करते हैं तो जो 4-5 नंबर आपने उसमें पहले से सेव करके रखे होते हैं उनके पास में एक मैसेज पहुंच जाता था। सेफ्टी के हिसाब से काफी बढ़िया चीज थी ये। HCL 1976 में शुरू हुई थी और बहुत ही बड़ी कंपनी है ये, मतलब डिफरेंट फील्ड में काफी तगड़ा काम कर रही है ये। तो कुल मिलाकर 13-14 हिंदुस्तानी ब्रांड्स हैं, लेकिन अगर अभी की रिपोर्ट देखूं तो टॉप फाइव में हिंदुस्तान की एक भी ब्रांड नहीं आती है। अब सवाल ये उठता है, जब कुछ साल पहले
टॉप 5 की लिस्ट में हिंदुस्तान की 3 कंपनी थी, तो अब सब गायब क्यों हो गई। और जो सबसे ज़्यादा शेयरिंग है आज के हिसाब से वो है माइक्रोमैक्स की, और वो भी है 0.5%। मतलब हिंदुस्तान में बिकने वाले 1000 स्मार्टफोन में 700 से ज़्यादा स्मार्टफोन चाइनीज होते हैं। अब बात करते हैं व्हाई इंडियन ब्रांड्स फेल्ड। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जितनी भी चाइनीज ब्रांड्स हैं सभी सिर्फ 5% प्रॉफिट पे काम करती हैं, लेकिन इंडियन ब्रांड्स को 15 से 20% प्रॉफिट पे काम करना पड़ता है, क्योंकि इंडियन ब्रांड्स को स्मार्टफोन के लगभग सभी पार्ट्स बाहर से मंगवाने पड़ते हैं, लाइक चाइना और ताइवान से, और फिर इंडिया में मंगा के उन पे मेड इन इंडिया का थप्पा लगा के और अपने ब्रांड का नाम चिपका के हिंदुस्तान में भेज देते हैं। पर जो पार्ट्स बाहर से हमारे देश में आते हैं उन पार्ट्स को बाहर से इंडिया तक लाने में काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस भरने पड़ते हैं, उसके बाद में असेंबलिंग कॉस्ट हो गई और भी तरह तरह के खर्चे हो गए। कुल मिलाकर जो स्मार्टफोन इंडियन ब्रांड 14 से 15 हज़ार रुपये में बेचती है, सेम फीचर वाला स्मार्टफोन चाइनीज़ कंपनी 6 से 7 हज़ार रुपये में बनाकर तैयार कर देती है। अब बताओ सेम फीचर वाला स्मार्टफोन लोग 15 हज़ार में खरीदेंगे या फिर 7 हज़ार में। इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया है चाइनीज ब्रांड्स ने, मतलब कम से कम पैसों में ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स, मतलब अच्छे से अच्छा फ़ोन कोई भी खरीदेगा। आजकल चाइना में हर चीज़ बनाई जाती है, कोरोना भी वहीं पे बना था। जब किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग रेट हाई होगा तो उसकी कीमत अपने आप कम हो जाएगी, और यही रीज़न है जो चाइनीज़ ब्रांड्स दुनिया भर में इतनी फास्ट ग्रो कर रही हैं। आपका कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट करो यार। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब कर दो यार।